हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, पोको ब्रांड के बारे में तो आप सभी को पता होगा, शाओमी का सब ब्रांड भी आप इसे कह सकते हो। काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन यहां पर ये लोग हर एक कैटेगरी में यहां पर लॉन्च करते हैं। तो पोको के करंटली आज की डेट में अगर आप इंडियन मार्केट देखते हो तो 8 स्मार्टफोन यहां पर बेचे जा रहे हैं। एंड वो 8 स्मार्टफोन में से आज की डेट में कौन से स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है, कौन से स्मार्टफोन आप बोल सकते हो थोड़े पुराने हो चुके हैं, आज की डेट में वर्थ नहीं रखते, एंड जो परचेस करना चाहिए वो क्या ऑफर के साथ में परचेस करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं पोको स्मार्टफोन्स को लेके। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का, आई होप कि आप पर अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से बता दूंगा, ऐसी सेम टाइप की वीडियो जो है पूरे लाइनअप की हमने रियलमी की भी बनाए, शाओमी की बनाए। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आई बटन में लिंक दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मैं लाइन से सारे यहाँ पर पोको के लाइनअप बताता हूँ, इसमें से कौन से फोन लेना चाहिए, कौन से नहीं लेना चाहिए, कौन से लेना चाहिए तो ऑफर क्या लेना चाहिए। चलिए सबसे पहले स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो आता है पोको का बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन पोको C3। 7500 रुपए में इसका बेस आपको देखने को मिल रहा है, 332 वाला वेरिएंट। डेफिनेटली ये प्राइस पॉइंट पे आप देख सकते हो, ऑफर में तो 7000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है। हीलियो G35 है, बड़ा डिस्प्ले है, बड़ी बैटरी है, डेफिनेटली देखना चाहते हो देख सकते हो, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो यहां पर ये पोको M2 रिलोडेड वर्जन 464 वाला वेरिएंट आपको 10000 रुपए में देखने को मिल रहा है। एंड ये इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है, मैं बोलूंगा स्किप कर दो, क्योंकि ये पोको M2 जैसा ही देखने को मिल रहा है। पोको M2 आपको 10500 रुपए में मिल रहा है, तो आपको 500 रुपए बढ़ाओगे तो सेम स्मार्टफोन 4GB रैम की जगह 6GB रैम आपको देखने को मिलेगा। तो रिलोडेड वर्जन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पूरे स्पेसिफिकेशन पसंद ही आते हैं, पोको का ही स्मार्टफोन लेना है, तो 500 रुपए बढ़ा के जो है आप पोको M2 रेगुलर वाला जो है उसके साथ में जा सकते हो। रिलोडेड वाला वर्जन आज की डेट में रिकमेंडेड नहीं है। स्मार्टफोन यहां पर पोको M3 664 वाला वेरिएंट जो है आपको 1100 रुपए में देखने को मिल जाता है, ऑफर में 10000 रुपए के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है, यानी हाईली रिकमेंडेड है। 10000 रुपए के आसपास का बजट है, डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, आयर ब्लास्टर है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, कैमरास वगैरह भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, डिस्प्ले भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है, अच्छा स्मार्टफोन है, डिजाइन वगैरह भी अच्छी देखने को मिलती है। डेफिनेटली 10000 रुपए की रेंज में स्मार्टफोन को देख सकते हो। नेक्स्ट यहां पर पोको M2 प्रो, जी हां 464 वाला वेरिएंट अभी फ्लिपकार्ट पर अगर आप चेकआउट करते हो 14000 रुपए का देखने को मिल रहा है। ये प्राइस पॉइंट पे मैं बोलूंगा हां पुराना डिवाइस जरूर हो चुका है, लेकिन आज की डेट में भी ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। 14000 रुपए में तो मैं नहीं बोलूंगा आपको 14000 रुपए में जाके परचेस कर लो, क्योंकि ये ऑफर में जो है ना काफी बार जो है आपको 12000 रुपए की रेंज में 11500 रुपए तक के भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो मैं बोलूंगा ऑफर का वेट करो, 12-13000 रुपए में भी अगर आपको ये स्मार्टफोन मिल जाता है डेफिनेटली देख सकते हो। यार आपको ग्लास बैक देखने को मिल रहा है, स्नैपड्रैगन का 720G वाला चिपसेट देखने को मिल रहा है, कैमरास आर अमेजिंग, बैटरी लाइफ अच्छी मिल रही है, 33 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। मतलब 720G 12-13000 रुपए की रेंज में एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी है। डेफिनेटली पुराना जरूर है, लेकिन आज की डेट में भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट है यहां पर पोको M3 प्रो 5G 14000 रुपए का देखने को मिल रहा है, 464 वाला वेरिएंट। तो ऐसा तो अगर आप देखोगे एज अ 5G स्मार्टफोन 14000 रुपए में स्मार्टफोन ठीक है, बहुत बेकार भी नहीं कह सकते हो, लेकिन ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूं, एज वेल एज रियलमी 8 5G भी रेकमेंड नहीं करता हूं। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर स्मार्टफोन है, उसकी जगह पे अगर आपको 15000 रुपए में बेस्ट 5G स्मार्टफोन चाहिए तो नार्जो 30 प्रो 5G सबसे बेस्ट है। डायमेंसिटी 800U 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ये स्मार्टफोन पे भी नहीं मिलेगा, रियलमी 8 5G में भी नहीं मिलेगा। तो 5G अगर आपको चाहिए, 15000 रुपए का टाइट बजट है, तो मैं बोलूंगा नार्जो 30 प्रो 5G का परचेस कर लेना, ऑफर के टाइम पे काफी चीप में आपको देखने को मिल जाता है। तो पोको M3 प्रो 5G आज की डेट में रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर पोको X2 काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे मैंने स्टिल देखा अभी भी बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, 19000 रुपए में बताया जा रहा है। एंड बहुत सारे लोग फंस जाते हैं यार, गलती कर देते हैं, परचेस कर लेते हैं घाई घाई में। तो मैं बोलूंगा 19000 रुपए में क्या, ये अगर आपको 14000 रुपए में 13000 रुपए में मिलेगा तो आज की रेट में रिकमेंडेड नहीं है। बग्स वगैरह आपको ये स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, एंड बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। नेक्स्ट स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो आता है पोको की तरफ से पोको X3 664 वाला वेरिएंट आपको
16,000 रुपए में देखने को मिल रहा है। ऑफर वगैरह में 15,000 रुपए का हो जाता है, उस पर कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा तो 14,000 रुपए के आसपास मिल जाता है। एंड वो प्राइस पॉइंट पे काफी तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हो। 15,000 रुपए के आसपास का बजट है, ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, 4G फोन चल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन डील क्योंकि यहां पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल रहा है, अमेजिंग कैमरा परफॉर्मेंस, डिसेंट आपको जो एक्चुअल गेमिंग वगैरह परफॉर्मेंस भी काफी सही देखने को मिल जाती है। बड़ी बैटरी है 6000 एमएच की, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, जबरदस्त स्मार्टफोन। चीज का आपको ध्यान रखना है कि फोन थोड़ा वजन है, थोड़ा मोटा है, ये दोनों चीज चल जाएगी ना, आपको तगड़ा परफॉर्मेंस वाला डिवाइस चाहिए 15,000 रुपए की रेंज में, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो, एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। नेक्स्ट है इसका बड़ा भाई पोको X3 प्रो, एंड डेफिनेटली ये भी स्मार्टफोन काफी ज्यादा आप बोल सकते हो पावरफुल स्मार्टफोन है, जिसका बेस वेरिएंट है 628 वाला, 19,000 रुपए में आपको देखने को मिलता है, लेकिन ऑफर वगैरह में अगर आप जाते हो 18,000-17,000 रुपए में इजीली आपको अवेलेबल मिल जाता है। एंड अगर आपकी मेन प्रायोरिटी जो है परफॉर्मेंस है, तो अंडर 20,000 रुपीज में मेरा नहीं ख्याल किससे बेटर आपको परफॉर्मेंस कोई भी स्मार्टफोन प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 860 वाला चिपसेट देखने को मिल रहा है। हां 4G चिपसेट जरूर है, लेकिन काफी मक्खन परफॉर्मेंस, गेमिंग की बात करो, एडिटिंग की बात करो, डे टू डे टास्क की बात करो, जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। कैमराज वगैरह भी डीसेंट इनफ है, डिस्प्ले हां IPS जरूर है, लेकिन 120 हर्ट्ज से टच सैंपलिंग रेट वगैरह भी काफी जबरदस्त है। यहां पर भी डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट, बैटरी लाइफ अच्छी है, फास्ट चार्जिंग अच्छी है, तो तगड़ा परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000 रुपीज की रेंज में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन, तो डेफिनेटली इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। तो गाइस ये पूरे 8 स्मार्टफोन्स थे जो करंटली लाइनअप जो इंडिया में सेल हो रहा है पोको की तरफ से। मोस्टली मैंने रेकमेंड करो क्योंकि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ऑफर वगैरह में काफी चीप में मिल जाते हैं। तो 8 में से मैंने आपको 5-6 स्मार्टफोन रेकमेंड कराओ, 2-3 स्मार्टफोन जो मैंने बोला कि भाई इसकी जगह में कुछ और ले लेना, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस ये था यहाँ पर पूरा पोको का लाइनअप। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हमारी ऐसी टाइप की वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपने रियलमी और शाओमी का लाइनअप चेकआउट करे हो नहीं करे हो, एंड इसके अलावा कौन से ब्रांड की वीडियो आप चाहते हो कि भाई मैं पूरा कवर करूं, एंड आपको बताओ भाई कौन सा लेना चाहिए आज की डेट में, कौन सा वर्थ है, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। एंड एक और एक चीज, आप में से कितने लोग यहां पर पोको का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो, और करते हो तो कौन सा मॉडल करते हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि सबको पसंद आई होगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।